सो भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे होंगे। अच्छा, मेरे पास आज दो चीज़ें बात करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पुष्पा द राइस के बारे में। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कल से कि भाई पुष्पा द राइस का एक और सीन लीक हो गया। तो भाई मैंने उस सीन को देखा है, वहाँ पर वो पुलिस वाले के साथ जहाँ पर डायलॉग बाजी हो रही है उसका एक शूट का क्लिप लीक हुआ है। देखो सिर्फ मैं आप लोगों से इतना बोलना चाहूँगा, देखो पुष्पा द राइस की तरफ से जो भी लीक हो रहा है ना वो सिर्फ शूट के सीन है। आप एक सीन को छोड़ दो जहाँ पर अल्लू अर्जुन फाइट करते हुए नजर आ रहे थे, वहाँ पर रश्मिका मंडाना भी थी, जहाँ उसके बाद ना पुष्पा के मेकर्स ने केस वगैरह भी किया था, तो उस सीन को आप छोड़ दोगे ना तो घंटा ऐसा कुछ रील लीक नहीं हुआ जिससे पुष्पा के मेकर्स को टेंशन लेने वाली बात हो। बिकॉज जो भी लीक हुआ है वो मतलब पुष्पा के सिर्फ शूट के सीन्स जो शूट कर रहे हैं ना उसके सीन्स लीक हुए, तो घंटा वो टेंशन लेने वाली बात नहीं। एक तरीके से अच्छी बात है कि पुष्पा द राइस की जहाँ पर भी देखो सिर्फ बात होती रहती है, सिर्फ मतलब जहाँ पर भी देखो पुष्पा के बारे में ही बात हो रही है, मतलब एक तरह की मार्केटिंग हो रही है। अभी पुष्पा द राइस के मेकर्स को मतलब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई कोई खतरनाक वाला पोस्टर लीक हो गया हो किसी का या फिर कोई टीजर जैसा कुछ लीक हो गया हो तो उनको टेंशन लेने वाली बात हो। तो इसका आप टेंशन मतलब सिर्फ शूट के सीन लीक हो रहे, एक तरीके से अच्छा ही है पुष्पा के मेकर्स के लिए, घंटा मार्केटिंग होती रह रही है, समझ रहे हो। एंड ओवरऑल पुष्पा के जो फैंस है ना उनसे इतना ही बोलना चाहूंगा, घंटा कोई शूट के सीन लीक होता ना तो होने दो, उससे घंटा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी पुष्पा के मेकर्स को पुष्पा पर पुष्पा के फैन को ही फायदा होने वाला है कि भाई पुष्पा मार्केटिंग में रहती है, आई मीन चर्चे में रहती है, एंड पुष्पा का ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो रहा है। एंड शूट के सीन लीक होने से घंटा कोई फर्क पड़ेगा ना, नहीं पुष्पा को फर्क पड़ने वाला, नहीं पुष्पा के मेकर्स को फर्क पड़ने वाला है। अगर कोई बड़ा कुछ लीक होगा ना तो घंटा टेंशन वाली बात है, शूट के सीन लीक होने से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड चलो भाई बात करते हैं दूसरे मतलब खतरनाक न्यूज, मतलब ये न्यूज इतनी खतरनाक है आप सुनोगे तो भेंचोद बोलोगे कि पात दोगे आप, मतलब पात दोगे ऐसी खतरनाक न्यूज सुनाने वाला हूं। बिकॉज कल मेरे को बहुत लोगों ने मेरे को मैसेज करके बोला है कि भाई हमारे जो रॉकी भाई हमारे जो यश है वो भाई किसके साथ काम करने वाले, पता है वो काम करने वाले एसएस राजामौली के साथ, जो बॉलीवुड के बाप है, आई मीन जिन्होंने बाहुबली जैसी मूवी बनाई, जो ट्रिपल आर जैसी मूवी ऑलरेडी बना रहे। तो आप सोचो, देखो सबसे पहली बात तो मैं एसएस राजामौली की बहुत इज्जत करता हूं, मैं खुद चाहता हूं हमारे रॉकी भाई एंड एसएस राजामौली साथ में, अगर वो साथ में आएंगे तो एकदम गांड फाड़ देंगे। तो भाई अगर ये दोनों साथ में आएंगे तो आप सोचो कितना बड़ा मचांड होगा, मैं खुद चाहता हूं। बट मेरे को कल बहुत लोगों ने मैसेज किया कि भाई एसएस राजामौली और रॉकी भाई साथ में काम करने वाले, वो साथ में मूवी लेने वाले, तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब इतना खुश हो गया कि मैं मतलब ना सोशल मीडिया पे चेक करने लगा कि भाई ये मतलब ये इतनी खतरनाक न्यूज कहां से निकल के आई है। एंड देखो मैं बहुत खुश हो गया था कि भाई एसएस राजामौली और रॉकी भाई साथ में काम करने वाले, तो मैं सोशल मीडिया पे चेक करने लगा, पर मैं आपको क्या बताऊं, इतना चेक करने के बाद मेरे को कोई ऑफिशियली या फिर नॉन ऑफिशियली अपडेट मिला ही नहीं कि हमारे रॉकी भाई एंड भाई हमारे जो एसएस राजामौली सर है साथ में काम करने वाले। तो मैंने फिर से जिन्होंने मुझे मैसेज किया था मैंने उनको पूछा कि भाई आप लोगों को किसने बताया कि एसएस राजामौली और रॉकी भाई साथ में काम करने वाले, तो भेज उन्होंने ऐसे इंसान का नाम लिया जिसको देख के मेरे को मोटिवेशन मिलता है, उसका नाम था संजू। अभी देखो सिर्फ मैं आपको देखो मैं संजू के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बंदा मतलब महान है, उसको साइड पर रखते मैं आप लोगों के बात बोलना चाहता हूँ। देखो हमारे रॉकी भाई ना मतलब एक ऐसी इंसान है, वो पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड के सुपरस्टार बन गए। हमारे रॉकी भाई का कोई झूला बजा कर वो टट्टी करेगा दूसरे दिन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा हमारे रॉकी भाई ने टट्टी किया, वो इतने बड़े सुपरस्टार है। देखो मतलब हमारे सलमान भाई अगर खिलाड़ी का रीमेक करने का सोचते हैं दूसरे दिन सबको पता चल जाता है कि भाई खिलाड़ी का रीमेक होने वाला है। भाई हमारे मतलब विराट कोहली सिर्फ सोचते ना कि T20 वर्ल्ड कप में हम कैप्टनशिप छोड़ देंगे तो घंटा दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में छप जाते हैं कि हमारे विराट कोहली कैप्टनशिप छोड़ने वाले हैं। डेफिनेटली ऐसा होता है हमारे विराट कैप्टनशिप छोड़ देते हैं, मतलब इतना एडवांस है हमारा इंडिया। तो क्या हमारे रॉकी भाई के पास मतलब इतनी सारी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है एंड भाई वो मतलब ऐसे राजामौली के साथ उनकी डील डन हो गई है, यहां तक कि उन्होंने मतलब घंटा मूवी का नामकरण भी हो गया है, 3-4 मूवी का घंटा, इतना सब कुछ हो गया हमको पता ही नहीं चला, मतलब ये कैसे पॉसिबल है आप खुद सोचो, ये कैसे पॉसिबल है, हमको पता नहीं चला, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को पता चला है, उसका नाम है संजू बाबा। यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे आप लोगों को बताऊं। अच्छा मेरे पास भी एक न्यूज़ एक अपडेट है, सुनो मैंने सुना है मतलब मैंने भी सुना है, मतलब मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, किसी को नहीं सिर्फ मेरे को ही पता है, सिर्फ तुम्हारे भाई को पता है, मतलब सिर्फ तुम्हारे भाई को ही पता है, एक बात याद रखना। देखो एक मतलब है ना हमारे जो बॉलीवुड के जो बाप है जिनका नाम है मतलब एसएस राजामौली नहीं एक और बाप है जिनका नाम है करण जौहर, हमारे रॉकी भाई से मिलने गए थे एंड भाई रॉकी भाई को स्क्रिप्ट सुनाई है, रॉकी भाई को इतनी पसंद आई है वहीं पर भी मतलब करण जौहर की मूवी को साइन कर लिया हमारे रॉकी भाई ने। तो आपको ना मतलब थोड़े दिन में पता चलेगा कि भाई मतलब मूवी का नामकरण भी हो गया, तो KGF 2 के बाद आपको रॉकी भाई एंड करण जौहर की मूवी देखने को मिलने वाली है। मतलब देखो मैंने आपको इसी न्यूज़ बताई, अभी थोड़े दिन में आपको ना ऑफिस अपडेट भी आ जाएगा, अंदर की बात है किसी को नहीं पता है, अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप मान जाओगे। एंड मूवी का नाम पता है क्या है? कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब कि अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप मान जाओगे, मतलब यार कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आता कैसे मतलब आप लोग ट्रस्ट करते हो यार। मतलब यार हमारे रॉकी भाई है मतलब कहां है, मतलब वो बंदा भेंच जो पांव भी हिलाएगा तो सबको पता चलेगा, वो बंदे के पास इतनी सारी स्क्रिप्ट पड़ी हुई, चलो मैं मानता हूं यार वो बंदा मतलब डेली उसके पास 15-20 स्क्रिप्ट आती होगी मूवी में काम करने के लिए, उस बंदे का मतलब इतना क्रेज है मैंने माना, बट घंटा यहां पर नामकरण भी हो गया है, स्क्रिप्ट भी रेडी है, इसके साथ काम करने वाला, उसके साथ काम करने वाला सारा ऑफिशियली मतलब सारा काम खत्म हो गया है, सबके साथ साइन हो गया, मतलब सब कुछ हो गया, मतलब घंटा हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चला, सिर्फ पता चला है उस इंसान को।
यार मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि भाई प्लीज दूर रहो यार, ये अफवाहों से दूर रहो। मैं कुछ नहीं कर, मतलब कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं कुछ मतलब कुछ बोलूंगा मेरे तो घंटा उल्टा आप मेरे को गालियां दोगे, संजू से जलता है। मतलब ऐसी बात नहीं है बेटा, आप लोग खुद सोचो। मतलब रॉकी भाई के सर, मतलब वो बंदा हगेगा भी तो आपको पता चलेगा कि बंदा झक के आया है। मतलब समझो यार, मतलब वो बंदा क्या मूवी में मतलब काम करेगा, उसकी नेक्स्ट मूवी का मतलब सारा नामकरण भी हो जाएगा, तो घंटा हमको पता नहीं चलेगा। आप खुद सोचो यार। सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, ऐसा चीज से दूर रहो, दूसरा कुछ नहीं कह सकता। ऐसा घंटा अफवाह ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिशियली अपडेट। मतलब अगर मैं तो चाहता हूँ, अरे संजू, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि संजू के मुंह में घी सक कर, बिकॉज मैं खुद चाहता हूँ ऐसे राजा बोलिए रॉकी भाई साथ में काम करे। दूसरा क्या ही बोलूँ मैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं, तब तक के लिए बैठा है, जब यहाँ चैनल सब्सक्राइब करके जाना हो सके तो घंटा ऐसी चूतिया पे से दूर रहना। बाय बाय।